मैं विकास। आज की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर जनक प्रसाद के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मांग करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, क्योंकि बदायूं में जिस तरह की घटना हुई है वह बहुत शर्मसार करने वाली है। जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी बताइए, जो बदायूं में 50 साल की एक महिला से जो गैंग रेप हुआ है, वो भी ऐसी पवित्र जगह पे, मेरे ख्याल मंदिर के परिसर में हुआ है, इसको लेके बहुत दुखद आत्मा से, क्योंकि एक अभी हाथरस कांड हुआ और दुख की बात यह है कि प्रशासन इसको बचाने में लिप्त हो जाता है। ये कौन सा भारत बना रहे हैं योगी जी और मोदी जी कि जो घटना हो रही है उसको बचाने में प्रशासन लिप्त हो जाता है। अभी मैं देख रहा था बाइक, एक बीजेपी के मंत्री राजनगर की जो गाजियाबाद की घटना है, जो छत गिर गई है उसको भी डिफेंड कर रहे थे वो। मतलब बेशर्मी की कोई सीमा ही नहीं बची इस सरकार की कि वो हर चीज़ को डिफेंड करने चले आते हैं। बताइए, 15 दिन पहले वो छत बनती शमशान की और वो गिर जा रही है, तो ये कौन से भारत की कल्पना करके मोदी जी आए थे? भैया, अगर आपसे भारत नहीं संभल रहा है तो प्लीज़ माफ़ करो, हमको बुरे दिन दे दो ना, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए आपके, हमें अच्छे दिन आपके ये नहीं चाहिए, हमें वही बुरे दिन अब मेरे लगा दो। भैया, हम हाथ जोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी आपसे गुजारिश कर रही है, नहीं तो आने वाले चुनाव में तो जिला पंचायत का चुनाव है, हम सब नागरिकों से, भारतवासियों से आपको आह्वान कर रहे हैं कि इनको जिला पंचायत चुनाव में ही आप उखाड़ के फेंक दीजिए, किसी भाजपा वाले को आप वोट मत दीजिएगा। जो भाजपा वाले को वोट देता है ये समझ लिए वो देश के साथ नहीं है, वो भाजपा की पार्टी के साथ में है। रास्ते दो बन गए हैं, या आप भाजपा के साथ में हो या देश के साथ में हो। भाजपा आपके देश को बेच रही है, आपके रेल को बेच रही है, सब चीज़ को बेच रही है वो, तो आपको देश बचाना है या भाजपा को बचाना है, निर्णय आपकी जनता को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आप अडानी अंबानी के गुलाम माने जाओगे आप लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आज किसे ज्ञापन दे रहे हैं आप? ये महिम हम जो राज्यपाल जी हैं उनको हम ये ज्ञापन देने आए हैं, और बहुत दुख हो रहा है कि हमने जब सांस शुरू करी थी तो हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छा हिंदुस्तान हमको दिया था, सबको अच्छी शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, लेकिन हम वो हिंदुस्तान हम अपनी औलादों को छोड़ के जाएंगे, पता नहीं कौन सा हिंदुस्तान छोड़ गया, ये दुख मन से कह रहे हैं। ठीक, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है, मतलब माँ 50 साल की औरत भी सुरक्षित नहीं। बरेली के थाना बिचपरी के बिचपरी गांव में सरकारी जमीन पर बन रही मजार को बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर हंगामा हो गया था। बड़ी संख्या में आदमी, औरतें, बच्चों के साथ भीड़ के रूप में हमलावर हो गए और पुलिस पर हमले के लिए पत्थर उठा लिए थे। पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज कर स्थिति को नियंत्रण कर लिया है। गौरतलब है कि छोटी मजार करीब 20 साल पुरानी है, जिसके साथ नई मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। मस्जिद सरकारी जमीन पर है, प्रशासन जिसको लेकर पहले ही चेतावनी दे चुका था और वह पहले से ही कार्रवाई के मूड में थे। आज मौका मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया। किसानों के समर्थन में आई IMC पार्टी का किसानों पर थोपा जा रहा काला बिल सरकार को वापस लेना चाहिए। IMC के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट हाजी एम इकबाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मांग करते हुए कहा है कि किसानों के खिलाफ जो बिल बनाया गया है उस बिल को वापस लिया जाए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट है, राष्ट्रीय महासचिव IMC। हमारी हर महीने की 7 तारीख को मासिक बैठक होती है और जनहित के मुद्दों को हम लोग उठाते हैं। आज का मुख्य मुद्दा, हमने किसानों का जो समस्या है, आंदोलनरत हैं दिल्ली के अंदर, इस ठंड में वहाँ बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, बरसात में
भीग रहे हैं, तो इन तीन कानून का जो विरोध कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति से हमने निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से कि इन तीनों कानून को केंद्र सरकार से कहें कि इनको वापस करें, किसानों के हित में और जनता के हित में। कोई भी कानून जनता के हित के लिए बनाया जाता है और जिसके लिए कानून बनाया गया यदि वो स्वीकार नहीं कर रहा है, वो नहीं चाहता उस कानून को, तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की परेशानियों को देखते हुए, वहाँ कितने बूढ़े बच्चे और महिलाएं हैं ठंड में सर्दी में, और उनके उलझनों को परेशानियों को देखते हुए, और कितने लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं, इन तीनों कानून को वापस लेकर उदारता का परिचय दें। वो समझते हों शायद उनका उनकी बात नीची हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उनका और मनोबल, उनका सम्मान तमाम देश की जनता के और किसानों के दिल नज़र में बढ़ जाएगा। इन तीनों कानून को अगर वो वापस समय से लेते हैं, सारे किसान इस सर्दी में बूढ़े बच्चे महिलाएं अपने अपने घर चले जाएंगे और इस समस्या का निदान हो जाएगा। आपने किसके नाम ज्ञापन दिया है? सवाल नगर नवदिया के लोग नगर नियम की अनदेखी से नरक से बुरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिसका मुख्य कारण नाली न बने होने के कारण उनके घरों का पानी सड़क पर बह रहा है। इस जलभराव के कारण उन लोगों को सड़क से निकलना दूभर हो गया है। कई बार इस मामले में वह अपने पार्षद को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें समस्या का हल निकलता दिखाई नहीं दिया, तो उन लोगों ने आला अधिकारियों से भी इसकी दरकार लगाई है। नगर निगम की अनदेखी से वह लोग बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आपको रूबरू कराते हैं वहाँ के हालातों से। वहाँ रहने वाले लोग अपनी समस्या बताते हुए हमें दिखा रहे हैं क्या हालात है। अजमल जानना चाहेंगे यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ की जो हालात बने हुए हैं क्या कारण है? यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आगे पानी का निकास नहीं है, यहाँ पे पानी पास नहीं हो रहा है, पानी यहाँ पे भर रहा है। दुकानदारों को भी परेशानी हो रही, कस्टमर भी कोई नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे सारा मद्दा फैला हुआ है काम का, और लोग यहाँ पे फिसलन से गिर जाते हैं, बाइक वगैरह गिर जाती है, रोज़ एक ना एक दो लोग गिर जाते हैं यहाँ पे। कब से समस्या है ये? समस्या काफ़ी करीब एक डेढ़ महीने से चल रही है, काफ़ी भराव जलभराव हो रहा है यहाँ पे। आपने संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की है अभी तक? इसकी शिकायत की हमने संबंधित अधिकारी हमारे सभासद से भी की है, और बाकी आगे जो अधिकारी उनसे भी की, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है इसकी। न्यायमूर्ति अंसारी नाम है मेरा भाई। कौन सी जगह लगती है ये? वार्ड नंबर 30 लगता है। मोहल्ला कौन सा लगता है? नवदिया। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या स्थिति सुनी नहीं दिया कोई, एक साल से ऊपर हो चुका है ये प्रॉब्लम। कोई ट्रैक्टर भी चलते हैं यहाँ पर, रोटी नहीं बनने आई, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। नाला रुकवा दिया उन लोगों ने। नाला कहाँ तक बना? नाला आगे आधा बना हुआ है वहाँ पर, रोहन तबरा ने रुकवा दिया। सरकारी उसमें तालाब में पड़ रहा था, तो मना कर रहा है कि इधर नहीं आया, ये है वो ऐसा वैसा, और सब वो तो पुराना नाला खुद गया, कोई नया नहीं है वहाँ काम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।